एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिश किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आदिश किचन में बनाएंगे मूंग के लड्डू। ये लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। ये लड्डू हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसी के साथ माइग्रेन को भी दूर करता है। इस लड्डू से हमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन अच्छी मात्रा से मिलता है। तो रेसिपी देख लेते हैं। हरे मूंग के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप साबुत मूंग लिए हैं। आप चाहे तो छिलके वाले दाल का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। मूंग को हम अच्छे से भुनेंगे। भुनने से मूंग खस्ता होंगे और इसका मॉइस्चर कम होगा, इसकी वजह से मूंग पीसने में हमें आसानी होगी। थोड़ा कलर चेंज हो गया है और महक आनी चालू हो गई है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम अब बंद कर देंगे। मूंग ठंडे होने के बाद हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एकदम हमें महीन पिसवाना है, तो अब हम ढक्कन लगा के अच्छे से पिसवा लेंगे। इस तरह से हमें महीन पिसवाना है, बिल्कुल आटे की तरह पिसवाना है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको लड्डू बनाना है तो आटे की चक्की पर भी आप पिसवा के ले सकते हैं। हमने एक पैन गैस पर रख दिया है। हमें टोटल 3/4 कप घी लड्डू बनाने के लिए चाहिए, उसमें से 2 टेबलस्पून घी हम पैन में ऐड कर देंगे और घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। घी अच्छे से गरम हो गया है, इस स्टेज पर हम थोड़ा बारीक किया हुआ गम, जो खाने का गम रहता है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूलने देंगे। देखिए, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूलकर रेडी है। अब हम प्लेट में इसे निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी हम रोस्ट कर लेंगे, ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लेंगे। इसमें का आधा हिस्सा हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे और इसे हम पिसवा लेंगे ताकि इसकी टेस्ट लड्डू में बहुत अच्छे से निखर कर आ जाए। इस तरह से पिसवा लेंगे। एक पैन में घी ऐड कर देंगे और उसमें हम जो मूंग का आटा है वो ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से भुनना है हमें। अभी इसमें थोड़ी देर बाद 2 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। हमें पूरे घी का इस्तेमाल इस लड्डू के लिए करना है स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा थोड़ा घी इसमें हम ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और थोड़ा घी ऐड करेंगे और भूनेंगे और आखिर में सब घी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा घी बचाया था उसमें हम कढ़ाई में डाल देंगे और 1.5-2 कप गुड़ हम इसमें ऐड कर देंगे और गुड़ को हमें मेल्ट करवा लेना है। एक चाशनी बनवा लिए हैं हम, चाशनी बिना पानी की ही यहाँ पे बनवाने वाले हैं। देखिए, चाशनी बनकर रेडी है। अब ये चाशनी हम मूंग में के आटे में ऐड कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स और गम है फ्राई किया हुआ वो भी इसमें थोड़ा क्रश कर ऐड कर देंगे। गम ऐड करने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ती है और लड्डू की टेस्ट भी बढ़ती है। इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून हम इसमें सूंठ का पाउडर ऐड कर देंगे, ड्राई जिंजर पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत अच्छी टेस्ट आती है इससे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और आटा बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको बचा हुआ घी बाकी है तो वो इस स्टेज पर आप ऐड कीजिए और लड्डू बनाना चालू कीजिए। देखिए, बहुत आसानी से लड्डू बनता है, बिल्कुल गोल गोल लड्डू हम बनाएंगे। इस समर सीज़न ये लड्डू आप घर पे ज़रूर बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लड्डू बनाकर एंजॉय कीजिए, सो एंजॉय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।